मनराज प्रतिष्ठान का 372वां शिविर, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में समाज सेवा का आदर्श उदाहरण। इस हफ्ते मनराज प्रतिष्ठान का 372वां चिकित्सा शिविर एक कठिन स्थान पर आयोजित हुआ। पहले शिविर को जहां आयोजित किया गया था, वहां आखिरी समय में कैंसिल करना पड़ा। इस मुश्किल घड़ी में प्रतिष्ठान के सदस्य हरकेश पांडे ने त्वरित प्रबंधन किया और शिविर को चेंबूर पीए लोखंडे मार्ग अमर महाजंक्शन के पास फुटपाथ पर ही आयोजित किया। जगह एक झोंपड़ी नुमा संरचना की तरह थी, लेकिन टीम और डॉक्टरों ने समाज की भलाई के लिए हर तरह का समझौता किया और यह सुनिश्चित किया कि शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हो। शिविर स्थल पर बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था न होते हुए भी डॉक्टरों ने बिना संकोच के 156 मरीजों की जांच की और उन्हें मुफ्त दवाइयां दी गईं। साथ ही 24 वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क चश्मे भी प्रदान किए गए। इस शिविर को डॉक्टर संस्कृति कालमकर, जलिंदर सालवी, विद्यायाद यादव और हरकेश पांडे का समर्थन मिला, जिन्होंने शिविर को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मनोज नथानी ने इस शिविर के बारे में भावुक होते हुए बताया कि एक 87 वर्षीय बुजुर्ग इस शिविर में आए, जिनकी दूर और नजदीक की दृष्टि कमजोर थी। उनके लिए बाइफोकल चश्मा उपलब्ध नहीं था, इसलिए उन्हें दो अलग अलग चश्मे देने का निर्णय लिया गया। उस बुजुर्ग के चेहरे पर आई मुस्कान ने मनोज नथानी को अत्यंत संतोष दिया और उन्होंने कहा, यह हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह शिविर न केवल सेवा भावना का एक अद्वितीय उदाहरण था, बल्कि यह भी साबित करता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, जब समाज के प्रति समर्पण सच्चा हो तो हर चुनौती को पार किया जा सकता है। मनराज प्रतिष्ठान की टीम ने यह सिद्ध किया कि समाज सेवा के कार्य में कभी समझौता नहीं किया जा सकता, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो।